अपनी पुरानी वाली, अभी जो नई वाली आ गई क्लासिक, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो पुरानी वाली है, तो जो इसमें ये जो हेडलाइट है ये अपनी जो पहले की आती थी टाइप की है, तो अभी जैसे थार में भी अपने जब MM550 है सेम यही, मतलब यही 7 इंच का ही आता है, तो सेम इसमें ही आता है, सेम यूज़ कर सकते हो यही रिफ्लेक्टर। ठीक है, अभी क्या होता है जैसे कि बोलते इसको पुराना कोई है, मतलब पुराने टाइप की ये हेडलाइट है, देखो ये वाली यही सेम अपने MM550 में, लेकिन जो अपनी थार CRD है उसमें वो क्रिस्टल क्लियर बोलते हैं वो वाली है, तभी नई वाले में भी लोगों ने इम्प्रूवमेंट की है, उसमें मेट्रो में आती ही थी, तो उससे क्या थोड़ी हेडलाइट की वो बढ़ जाती है, क्या बोलते हैं क्लियरिटी। तो अभी मैं इसमें ऑप्शन ढूंढ रहा था, अभी तो उसका नहीं मिल रहा है, क्या नाम अपने कंपनी का अभी मार्केट में आया नहीं, जैसे जो स्टॉक में आता है, स्टॉक में भी वो मिंडा का आता है ना वही है, अलग से नहीं कोई आता, मतलब वो खुद नहीं बनाती रॉयल एनफील्ड। ठीक है, तो इसको मैं बदलने वाला हूँ, तो फिर आपको पहले दिखा दूँ एक्चुअल में क्या है। तो पहले देखो एक बस स्क्रू ड्राइवर चाहिए उसके लिए, ये रहा, ये मंगाया है, ये भी सेम यूनिवर्सल 7 इंच का ही है, ले लेते हैं, नीचे नहीं गिर जाएगा तो टूट जाएगा। तो ये रहा इसका ग्रे लाइट, एक क्रिस्टल क्लियर है। हाँ, दूसरी चीज़ में ऐसे प्लस पार्ट अच्छी बात भी और थोड़ी गलत बात भी है, ये जो 7 इंच का है ये जैसा अपने उसमें आता, क्या नाम है आपका, नई वाली क्लासिक में और जो मिच्योर में आ रहा है आजकल यही, तो ये है पार्किंग लाइट के साथ ही है। ठीक है, और MR की बात कर लूँ मैं आपके साथ, तो ये कहाँ पे दिया आया है, रिव्यू इतना ज़्यादा अच्छा तो है नहीं, तभी 3.5 स्टार है कुछ, 995 रुपये का। इसमें ब्लैक ग्रिल वाला भी आता, जैसे आपका मेटालिक कलर में है तो आप उसको लगा सकते हैं, मेरा सिल्वर है इसलिए सिल्वर इस्तेमाल कर रहा हूँ, कैप भी सेम है। ठीक है, हाँ, जो ये है इसका मेटल में है, एल्यूमिनियम में ही लोगों ने कास्टिंग कर, मतलब वो करके की है कोशिश, ये इसका रिफ्लेक्टर देख लो, और ये सेम चेक कर लो, सेम ही है इसका। तब इसको डालने वाले हैं, बता देता हूँ आपसे पूरा कैसे इंस्टॉल करना है इसको। पहले आपको एक 4 पेयर लेना है, उसको थोड़ा सा ढीला कर लेना है, ज़्यादा खोलना नहीं, खोल भी सकते हो लेकिन फिर सेटिंग में प्रॉब्लम आती है, तो उसको निकाल लेंगे अपने। तो उसको निकालने के लिए ये जो मैंने ढीला कर लिया 4 पेयर से, फिर 2 पेयर कर लेने का, फिर ये देखो यहाँ पे गैप है ना, यहाँ दबा के दबाओगे तो ये आराम से, ये दबाना होता है, ये निकल जाएगा, फिर नीचे एक लॉक टाइप का सिस्टम होता है, यहाँ पे नीचे देखो उसको ऐसे करके निकालोगे, बस देखो ये इजीली बाहर आ गया। ठीक है, और ये कैप निकाल दो, ये क्या बोलते हैं अपना पार्किंग लाइट जलती है ना वो पूरा बढ़ जाती है, कोई टेंशन नहीं, अपने उसको ऐसे ही से लगा देंगे, फिर ये डस्ट निकल गई। अब इधर आ जाओ तो अपने इसको बल्ब भी लगा लेते इसमें, तो ये पहले पुश करो ऐसे, और बल्ब आता है ना, मैंने इसमें फ्लिप्स का डाला था, आपको यूज़ करना हो तो नाइट ब्रेकर भी यूज़ कर लो, ये बल्ब बाहर इसको ऐसे रख दो, कभी जैसे कि समझो कि रिफ्लेक्शन में या कई बार अब वो ब्रांडेड चीज़ ऐसी तो है नहीं, कोई प्रॉब्लम आती है कि हम लोग दोबारा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको निकल लो, इसको निकल गया आपका बल्ब, हो गया, और इसको जबरदस्ती अपने इसको से थोड़ा ये हो गया, हो गया। अब इसमें आप चाहो तो यही वाला पुराना वाला, मतलब जो कम उसके साथ आया वो इस्तेमाल करो, या फिर जो अपनी गाड़ी का था वो इस्तेमाल करो, ये हो गया पूरा। अब इसमें देखो अपने को क्या करना है, ये फ्रेम इस्तेमाल नहीं करनी, ये फ्रेम अपनी वाली इस्तेमाल करनी जो लगी हुई है, तो इसको सेम इसमें 2 पेयर भी है, इसको निकाल लो, नहीं तो चाहो तो आप पुरानी वाली फ्रेम निकाल सकते हो, इसके लिए खोलना पड़ेगा स्क्रू, अपने को स्क्रू नहीं खोलने, और फिर इसको यहाँ से दबा के ये बाहर, ये वाली फ्रेम अपने को नहीं, अपनी पुरानी वाली इस्तेमाल करनी है, तो ये चीज़ लेके चलो ऐसे ही, यहाँ आ जाओ, तो बल्ब ये निकालना है तो निकाल दो, नहीं तो अपना वाला इस्तेमाल कर लो, तो ये इसको
जो अपना है ना उसी को लगा दिया वापस। और ये कपलर F4 टाइप का हो गया। अब इसको जो नीचे का है ये वाला देखो, देखो ये वाला दिखा दो, ये वाला है ना, ये यहाँ नीचे से फंसाना होता है, तो नीचे फंसेगा तो जाके ये इसको ऐसे बिठ जाएगा। ठीक है, मैं इसको लगा लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो आदमी को बिठा के बस आपको ये फोर पेल दबा के टाइट कर देना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो अभी पट्टी उट्टी खोलोगे ना, देखो आपको बता दो प्रॉब्लम क्या होता है। आपको यहाँ पे भी ये खोलना पड़ेगा स्क्रू, इधर भी खोलना पड़ेगा, तब पूरी कैप बैठेगी, तब नोगा करना है, तो अपना चलेगा, सेम कलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो निकाल देना है और यहाँ फर्क देना है। नहीं तो चाहो तो आप इसको भी लगा सकते हो, इसको भी। तो इसके लिए आपको यहाँ पे दो स्क्रू, ये दिखा दीजिए इधर का स्क्रू है, सेम इस साइड भी स्क्रू है, तो ये दो स्क्रू आपको खोल लेने तो आपका ये पूरी हेडलाइट बाहर आ जाएगी। तब इसको बिठा दो ऐसे, ये भी सेम है, कोटी थोड़ी है लेकिन सेम जैसी है थोड़ी बहुत, कभी कास्ट ओ इसका आएगा जंग होंग का प्रॉब्लम, तो अपने इसको बदल लेंगे। ठीक है, तो अब इसको अपने टेस्ट कर लेते हैं, चाबी ऑन, गाड़ी चालू करते हैं। ये इसका लो बीम है, सामने दिखा देता हूँ, फिर ये इसका जो हो रहा है और ये इसका हाई बीम है और इसका सामने का भी, इसको कोई नाइट में टेस्ट करेंगे अपने। ठीक है, ऐसे आप स्टोर कर सकते हो, सेम यही चीज़ अब अपने जो नई वाली क्लासिक वही आ रही है, मिट्योर में भी यही आ रही है, जब उनकी स्टॉक कंपनी का जो आता है वो मार्केट में अवेलेबल जाएगा तो अपने उसको डाल देंगे, अभी तक तो ये चलेगा। ठीक है, ये था छोटा सा वीडियो, आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।